Hello and welcome to another lecture of Chemical Reactions and Inequations. And in this particular lecture, I have cleared your doubts regarding this chapter. So let's begin. So जो first question है जो आप लोगों ने पूछा है वो ये है कि इस equation को balance करके दिखाइए जिसमें हो ये रहा है कि यहाँ पर हमारे पास nitric acid है that is HNO3 वो react कर रहा है calcium hydroxide के साथ that is CaOH the whole twice and then product जो form हो रहा है that is calcium nitrate and plus H2O release हो रहा है. तो जिस method को मैंने बताया था उस method में मैंने आपको ये बताया था कि hydrogen और oxygen को छोड़ के जो भी आपके elements के atoms हैं आप उसे पहले balance कीजिए. तो let's start with calcium. यहाँ पर left hand side में calcium 1 है, right hand side में calcium 1 है, कोई problem नहीं है, balance है. लेकिन अगर हम right hand side में अगर nitrogen atoms की बात करें तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है 1 है. सो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 प्लेस करेंगे. ठीक है, उसी तरीके से जब नाइट्रोजन और कैल्शियम बैलेंस हो चुका है अब हम देखेंगे नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है, तो इस साइड जो हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स है दैट इज 6 एंड प्लस 2 दैट इज 8. यहाँ पर 3 टाइम्स 2 इज 6 एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर 2 प्लेस कर देंगे. ठीक है, तो ये जो अपने पास रिएक्शन हो गई है नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है, सो दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपकी तरफ से पूछा गया था. नाउ लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन. सो सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि जब भी सिल्वर की रिफाइनिंग की जाती है, रिफाइनिंग का मतलब है सेपरेट किया जाता है सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से, तो वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है. सो क्वेश्चन इज कि उस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को लिखिए. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट है दैट इज AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट. अगर इसको हम कॉपर के साथ रिएक्ट करा दें, तो अगर इसको हम कॉपर के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सिल्वर को. क्यों डिस्प्लेस करेगा? क्योंकि कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर. ठीक है, हमने रिएक्टिविटी सीरीज की बात कर ली है, तो कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर, तो इसके सॉल्ट से इसको डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करते ही खुद फॉर्म कर देगा कॉपर नाइट्रेट दैट इज CuNO3 द होल ट्वाइस और प्लस ये हो जाएगा Ag. ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस करेंगे. तो सिंस यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन 2 है तो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए 2 यहाँ पे और सिल्वर को फिर फाइनली बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 प्लेस कर देंगे. ठीक है, सो ये हमारा हो गया केमिकल रिएक्शन विच इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. यहाँ पे कॉपर जो है वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है और डिस्प्लेस करने के बाद कॉपर नाइट्रेट फॉर्म कर रहा है और सिल्वर फॉर्म कर रहा है. सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन. ठीक है, आपकी तरफ से जो थर्ड क्वेश्चन आया था वो ये था कि वॉट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो चलिए समझते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक क्या होता है. सो जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है वॉट इज एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो इसके वर्ड रूट पे जाइए, थर्म का मतलब होता है हीट. सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होता है. ठीक है, सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो हीट है दैट इज थर्म जो है वो निकलता है. एक्सो का मतलब हो जाएगा रिलीज. ठीक है, राइट, रिलीज या फिर हम कह सकते हैं इवोल्यूशन. ठीक है, तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है उस तरह के रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, अगर वही हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो एंडोथर्मिक में हो जाएगा एंडोवर्ड, दैट मीन्स कि यहाँ पर क्या है एब्जॉर्प्शन होने वाला है हीट का. ठीक है, सो ये है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. तो कोई भी ऐसी रिएक्शन जिसमें एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट होता है या हीट की रिक्वायरमेंट होती है इस तरह के रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, सो एंडोथर्मिक रिएक्शंस. ठीक है, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट निकलेगी यानी इवोल्यूशन ऑफ हीट, और एंडोथर्मिक का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट. ठीक है, इन दोनों ही तरह के रिएक्शंस को हम एक एक एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास सोडियम है और सोडियम को जैसे ही हमने क्लोरीन गैस के साथ रिएक्ट कराया ये फॉर्म करेगा NaCl, वो भी 2 टाइम्स ऑफ NaCl. ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन होने वाली है कि जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड फॉर्म करेगा. तो जब ये रिएक्शन होता है तो 411 किलो जूल के आसपास, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 421 किलो जूल
एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, जूल जो होता है दैट इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो जब भी ये रिएक्शन होगी तो 421 किलो जूल के आसपास एनर्जी रिलीज होती है। तो एनर्जी रिलीज होने का मतलब होगा इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें एंडोथर्मिक रिएक्शन की, तो आपने फोटोसिंथेसिस देखा होगा जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ग्लूकोज फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है इसको कैरी आउट कराने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस बिना सनलाइट के नहीं होगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करने के लिए हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ रही है, मतलब यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। इसीलिए एग्जांपल हो जाएगा एंडोथर्मिक का। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच देर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच देर इज सम इवोल्यूशन ऑफ हीट, ठीक है, या रिलीज ऑफ हीट हम कह सकते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज कि आखिर रेस्पिरेशन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों होती है, ठीक है। सो हम ये सबको पता है कि हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए हमें फूड इनटेक लेना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी हम फूड लेते हैं वो ग्लूकोज के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो जाता है। जो भी हम कॉम्प्लेक्स फूड इनटेक करते हैं वो सिंपलर कंपाउंड में ब्रेक हो जाता है, एंड द सिंपलेस्ट कंपाउंड इज ग्लूकोज, ठीक है, दैट इज हैविंग अ फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। जब ग्लूकोज बाहर से हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, सो दिस इज व्हाट रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन से हमने यहाँ पे O2 लाया है, ठीक है। सो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ये फॉर्म करता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ ये रिलीज करता है वाटर और एनर्जी, ठीक है। सो सिंस यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या है, सो इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी है, यानी हीट है, इवोल्यूशन ऑफ हीट है, और इसीलिए हम इसे एक्सोथर्मिक कहते हैं, ठीक है। जो भी हमने कॉम्प्लेक्स फूड यहाँ पे लिया हुआ है उसका सिंपलर जो कंपाउंड है दैट इज ग्लूकोज, ग्लूकोज ने जब रेस्पिरेशन से ली हुई एयर के साथ दैट इज ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट किया, तो रिएक्ट करने के बाद यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है, और सिंस यहाँ पे एनर्जी निकल रही है दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसीलिए हम कहते हैं कि रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। इस रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम प्लेस करेंगे 6, एंड देन फाइनली यहाँ पर जो आ जाएगा दैट विल बी 6 अगेन, ठीक है। सो नाउ दैट इट इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। सो जब हम किसी भी इक्वेशन को इन जनरल लिखते हैं दैट इज नोन एज अ स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ दैट इक्वेशन, ठीक है। सो उसको स्केलेटन कहा जाता है। तो हमने पहले ही पढ़ लिया है अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस, ठीक है। तो जब भी हम रिएक्शन लिखते हैं तो हम अनबैलेंस्ड रिएक्शन भी लिख सकते हैं और बैलेंस्ड रिएक्शन भी लिख सकते हैं, ठीक है। बट द इम्पॉर्टेंट वन इज बैलेंस्ड रिएक्शन, ठीक है। तो जब भी हम रिएक्शन को लिखते हैं सो इट इज नेसेसरी कि हम उसे बैलेंस करके लिखें, ठीक है। सो लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, आखिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। सो इस प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है दैट इज Na2CO3। जब सोडियम कार्बोनेट को हम कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करने के बाद जो हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो मिलता है कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ ही साथ हमें मिल जाएगा NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। सो फिर मैं बोल रहा हूँ जब सोडियम कार्बोनेट को हमने कैल्शियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराया तो यहाँ पर हमें कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया और सोडियम क्लोराइड मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखने को हमें ये मिलेगा कि ये वाला जो अपने पास प्रोडक्ट है ये इनसॉल्युबल होगा पानी में, ठीक है, वाटर के अंदर ये इनसॉल्युबल होगा, और ये सिंस इनसॉल्युबल होगा तो इसी इनसॉल्युबल को हम क्या कहेंगे, इट इज़ द प्रेसिपिटेट। सो प्रेसिपिटेट का मतलब होता है इट इज़ एन इनसॉल्युबल सॉलिड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर हमें कोई इनसॉल्युबल सॉलिड देखने को मिलता है तो वो प्रेसिपिटेट कहलाता है, ठीक है। और कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हमें कोई इनसॉल्युबल सॉलिड हमें मिलता है या प्रेसिपिटेट मिलता है, इस तरह का जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन, एंड देन
रिएक्शन, ठीक है? तो हम कैसे डिफाइन करेंगे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को? अ रिएक्शन इन विच एन इनसॉल्युबल सॉलिड इज फॉर्म इज कॉल्ड अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। किसी भी ऐसे रिएक्शन में जिसमें एक इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म होता है, इस तरह के रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है? सो आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हैं। अगर फर्दर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और मैं नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, ठीक है? टिल देन कीप लर्निंग एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर।